अच्छा, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो स्लाइड मास्टर था, इस तरह से एक हैंडआउट मास्टर भी है। तो जैसे ही हैंडआउट मास्टर पे क्लिक करेंगे तो हैंडआउट्स जो हम बना के किसी को प्रिंट करके देना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के, तो उसमें हम उसकी और लैंडस्केप में देना चाहते हैं या पोर्ट्रेट में देना चाहते हैं या उसको 4:3 के रेशो में देखना चाहते हैं स्क्रीन के, या फिर उसके अंदर कितने किस्म के 3 स्लाइड्स पे जाना चाहते हैं, 9 स्लाइड्स के बनाना चाहते हैं, कितनी स्लाइड्स के बनाना चाहते हैं, वो हम सब यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हैंडआउट्स के हवाले, स्लाइड आउटलाइन सिर्फ चाहिए तो आउटलाइन सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट इसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो इसके हवाले से भी आप इसके ऊपर काफ़ी सारा सा मास्टर टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे हेडर ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी की डेट या फुटर पे कोई टेक्स्ट या फिर स्लाइड नंबर, पेज नंबर भी डाल सकते हैं। थीम भी यहाँ से कोई अप्लाई कर सकते हैं, कलर्स इफेक्ट्स हैं, कोई भी कलर इफेक्ट्स आप इस पर लगा सकते हैं, फॉन्ट्स कॉम्बिनेशन भी आप अपनी मर्जी के ले सकते हैं, इफेक्ट्स वगैरह भी अप्लाई करना चाहें, बैकग्राउंड स्टाइल भी लगाना चाहें इसके ऊपर, तो ये भी अप्लाई किया जा सकता है। तो ये आपका कहलाएगा हैंड आउट मास्टर्स। फिर जब आप हैंड आउट्स को प्रिंट करेंगे तो उस पर उसी तरह से प्रिंट होगा जैसे ये नजर आ रहा है। फिर नोट्स मास्टर है, जैसे आप इसका नोट्स व्यू देख रहे होते हैं तो ऐसे एक नोट्स मास्टर भी होता है इसके अंदर। नोट्स व्यू में क्या हो रहा था, फाइल में जाके यहाँ से हम क्लिक कर रहे होते हैं नोट्स पेजेस के ऊपर, नोट्स पेजेस ऐसे नजर आ रहे हैं आपको, ऊपर स्लाइड है, नीचे टेक्स्ट है। तो नोट्स मास्टर में जब आप चले जाएंगे तो यहाँ पर देखें हेडर टेक्स्ट है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर कंटेंट हेडिंग 1, 2, 3 किस तरह आएगा, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें विजिबल करनी है, हेडर टेक्स्ट चाहिए नहीं चाहिए, स्लाइड नंबर दिखाना है नहीं दिखाना, स्लाइड इमेज फुटर इमेज दिखाना है नहीं दिखाना, डेट दिखानी है नहीं दिखानी, बॉडी का टेक्स्ट आए ना आए, पेज नंबर दिखाई देना नहीं, इस तरह से ये सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं। फिर इसके साइज पे बात कर लें, अगर ये इस तरह से नजर आए या फिर ये इस तरह नजर आए तो उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन लैंडस्केप पे भी कर सकते हैं और पोर्ट्रेट पे भी रख सकते हैं। ये आपकी नोट्स पेज मास्टर की सेटिंग्स से कुछ जो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये स्लाइड मास्टर था और ये नोट्स पेज मास्टर है। इसके बाद यहाँ से क्लिक करके डायरेक्शन को जैसे मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन इस तरह की होगी कि जब आप इसका व्यू जो है नॉर्मल पे रखेंगे, और जैसे ही नॉर्मल व्यू करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि डायरेक्शन आप इसकी लेफ्ट से राइट, राइट से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन मिल रहा है राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, इस तरह से फिट ऑन विंडो कर ले ब्लैक एंड व्हाइट कलर स्केल्स। और मैंने बताया था जैसे एक से ज़्यादा प्रेजेंटेशन खोली होंगी तो यहाँ से भी आप उसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं इसके अंदर फाइल में जाके प्रिंट करने के हवाले से। तो जैसे फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रिंट के ऑप्शन में से कि किस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना चाहते हैं। सिमिलरली अगर मैं एक पेज पर एक स्लाइड को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे रखना है ऑल स्लाइड्स और यहाँ पे प्रिंट की कमांड को एग्जीक्यूट कर देना है। जैसे प्रिंट की कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो एक पेज पर एक स्लाइड प्रिंट होगी हमारे, तो इस तरह 49 पेजेस है, 49 स्लाइड्स प्रिंट होंगी। ठीक है, प्रिंटर का चूज हमने यहाँ से करना है, जो भी प्रिंटर आपके कनेक्टेड होगा और ऑनलाइन होगा वो अपना स्टेटस यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, यहाँ से चूज करना है। अच्छा, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इकोनॉमिकल होके चले तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसको कर देते हैं प्रिंट ऑल पेजेस, और 1 स्लाइड पर सेट से लेके हम इसको कह देते हैं 2 स्लाइड्स पर पेज। अभी ये देखिए वो जो अभी हमने हैंडआउट मास्टर का सेट किया था वो यहाँ पे इस तरह से नजर आ रहा है जो हमने उसकी पैटर्न सेटिंग की थी। तो अब ये एक पेज पे कितनी स्लाइड्स को प्रिंट करेगा, 2 स्लाइड्स को प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके 3 स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे तो ये 3 स्लाइड्स को एक पेज के ऊपर प्रिंट कर देगा। फिर इस तरह से 4, इस तरह से 6, इस तरह से 9, इस तरह से 9 वर्टिकल और 9 6 वर्टिकल और 6 ही 4 वर्टिकल स्लाइड्स भी प्रिंट कर सकता है। वॉट एवर जैसे चाहें आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, आपने देखना ये है कि किस तरह आप इसको प्रिंट आउट कराना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप आ जाते हैं कलेक्टेड और अनकलेक्टेड पर। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करके आपको एक ऑप्शन मिलता है दोबारा से फुल पेज का, तो पर पेज पर पर स्लाइड प्रिंट होगी। इसके अलावा नोट्स पेजेस पे क्लिक करते हैं तो फिर नोट्स पेजेस के स्टाइल में प्रिंट करेगा, स्लाइड ऊपर प्रिंट होगी और जो कंटेंट होगा उसका नीचे प्रिंट होगा, और नोट्स मास्टर की भी जो आप वहाँ से सेटिंग करेंगे उसी तरह से पेज को ये डील करेगा। इसी तरह से यहाँ क्लिक करके आप क्लिक करेंगे और फिर आउटलाइंस पे क्लिक कर देंगे तो आउटलाइन में ये होगा कि फिर टेक्स्ट प्रिंट होगा। ठीक है, स्लाइड्स प्रिंट नहीं होगी, हर पेज का हर स्लाइड का जो टेक्स्ट होगा वो प्रिंट होगा, उनके ऊपर मौजूद जो फोटोज होंगी या फिर स्लाइड होगी वो प्रिंट नहीं होगी। अच्छा, अब इसका मास्टर की जो सेटिंग थी वो हमने यहाँ से कर रखी तो इस वजह से ऐसा नजर आ रहा है। तो व्यू में जाके हैंडआउट मास्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने कलर्स कुछ ब्लू कलर का लिया हुआ था तो यहाँ से कलर कर दिया। फॉन्ट का कलर जो है कौन सा रहेगा इसके ऊपर, फाइल में जाके यहाँ से अभी फॉन्ट का कलर ब्लैक आ रहा है तो फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ से क्लोज और यहाँ से होम पे आके फिर यहाँ से इसका फॉन्ट का कलर हमें चेंज करना पड़ेगा, या फिर स्लाइड मास्टर में जाके जो हमने सीखा था वहाँ पे जाके मास्टर स्लाइड में जाके ये जो फॉन्ट का कलर फिर यहाँ से जाके इसको चेंज करना पड़ेगा ताकि फॉन्ट अगर डार्क कलर उधर रख रहे हैं तो यहाँ पे लाइट कलर आए। फिर
ब्लैक ही आ रहा है आई थिंक सो। इसका भी ब्लैक ही आ रहा है यार। हाँ ब्लैक इस वजह से भी आ रहा होगा क्योंकि ये अभी हमने इसको कंटेंट पे रखा हुआ है, तो कंटेंट में तो ब्लैक पेज पे करंट कलर होता ही नहीं है, तो हैंडआउट मास्टर में जाके इसको हम दोबारा से नॉर्मल कर लेंगे। सबको वाइट करें, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ट्रिकी हो जाएगी काम। एक बार इसको अगर कोई सोल्यूशन होगा इसके अंदर ठीक है, क्लोज कर देंगे, फाइल में जाके यहाँ से प्रिंट पे देखेंगे तो ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगी ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर हमें दोबारा से स्लाइड्स प्रिंट करनी है तो यहाँ क्लिक करके आउटलाइन के बजाय नॉट पेजेस फुल पेजेस पर प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा क्वालिटेड और अनक्वालिटेड का सीन क्या है, जैसे कि 49 स्लाइड्स है, मैं इसको ऑल स्लाइड्स प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ से क्लिक करके प्रिंट, तो एक से लेकर 49 तक स्लाइड्स प्रिंट हो जाएंगी। अच्छा क्वालिटी अनक्वालिटी काम आएगा जब हमें इनके सेट्स बनाने होंगे, मतलब अगर हमें इसके 3 सेट बनाने या 3 लिख के प्रिंट करेंगे तो 1 to 49 एक सेट बनेगा, 1 to 49 दूसरा सेट बनेगा, 1 to 49 तीसरा सेट बनेगा। हम इसको चेंज कर सकते हैं अनक्वालिटी में, मतलब पहले वाले पेज की 3 कॉपीज होगी, फिर दूसरे पेज की 3 कॉपीज, फिर तीसरे पेज की 3 कॉपीज, इस तरह से प्रिंट करेगा वो ठीक है। और फिर हेडर एंड फुटर को डायरेक्टली यहाँ से भी एडिट किया जा सकता है कि अगर आप फुटर पर कुछ टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, और यहाँ पर डेट एंड टाइम दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पर स्लाइड का नंबर दिखाना चाह रहे हैं, क्लिक करेंगे अप्लाई टू ऑल तो ये देखिए चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपको यहीं से एडजस्ट कर लेंगे ठीक है। तो क्वालिटेड एंड क्वालिटेड प्रिंटिंग मेथड के ऊपर है कि 1 to 49 करें या हर ईच कॉपी शुरू में ही करता जाए हर पेज की, तो यहाँ से उसको आप डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से कलर्स में प्रिंट करना है तो ठीक है, वरना ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट कर दें। अच्छा ये कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट आपको ज़्यादा हेल्प करेगा जहाँ पर आपके शेप्स और इमेजेस होंगे, जैसे कि अगर यहाँ पर मेरे पास सारे इमेजेस, हाँ इसको देखें ये एक इमेज है, इसको प्रिंट करने की जब बात आएगी तो फाइल में जाके जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अगर मैं इसको ग्रे स्केल करूंगा तो आप यहाँ ऑब्जर्व करें कि इसका जो कलर है, जो ब्लू कलर था वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो गया, और अगर ब्लैक एंड व्हाइट करूंगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जितने इमेजेस होंगे उनको ये ब्लैक एंड व्हाइट करने में भी ग्रे में कन्वर्ट करेगा ठीक है। मतलब यानी कि अगर आपके पास कलरफुल प्रिंटर नहीं है और आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो कलरफुल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम किसी, इसको ही देख लेते हैं, तो अब इसको अगर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं ठीक है, तो अब जैसे प्रिंट पे जाएंगे तो अगर कलर प्रिंटर है तो वो ठीक है, उसको कोई इशू नहीं है, कलर प्रिंटर पे वैसे ही काम करेगा वो जैसे होता है, लेकिन अगर आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे प्योर ब्लैक एंड व्हाइट, अब चूंकि ये शेप है तो शेप आउटलाइन दे देंगे अपनी, और अगर आप उसको ग्रे स्केल करेंगे तो ये ग्रे होके ऐसे शेड दे देंगे अपने ठीक है ना। जितने शेप ग्राफिक्स कहलाती है शेप्स, उसको जितने फिल्ड होंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट करने पे अंदर से खाली हो जाएंगे। जैसे और कोई और भी एक प्रेजेंटेशन में आपको दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, हाँ इसी को देख लें, इस पे ये शेप ही बने हुए, तो जैसे भी हम फाइल में जाके प्रिंट कर रहे हैं तो ये कलर आ रहा है, ये मैंने इसको किया ग्रे स्केल ठीक है, ग्रे हो गया और पीछे वाला बैकग्राउंड खत्म हो गया, और अब मैंने इसको किया ब्लैक एंड व्हाइट ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट में इस शेप को देखिए, जब मैं ग्रे कर रहा हूँ इसको देखें कलर कर रहा हूँ, और जब ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा हूँ तो जितने शेप्स होंगे ब्लैक एंड व्हाइट करने में अंदर से खाली हो जाएंगे, सिर्फ उनके आउटलाइन रह जाएंगे, और जितने पिक्चर्स होंगे वो ब्लैक एंड व्हाइट करने में और ग्रे स्केल करने में दोनों में ग्रे ही रहेंगे ठीक है, ये ध्यान में रखिए, और टेक्स्ट ब्लैक एंड व्हाइट पर ही रहेगा। फाइनली ये इसकी प्रिंट की सेटिंग्स थी जिनको हम कर सकते हैं, और प्रिंट देने के लिए यहाँ से कमांड को एक्जीक्यूट करना है ठीक है, तो प्रिंटर प्रिंट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आप देख लें कि किस तरह से प्रिंट करना है। अच्छा कोई स्पेसिफिक स्लाइड प्रिंट करनी है, सपोज स्लाइड नंबर 13 प्रिंट करनी है तो उसका नंबर डाल देंगे, 20 से 25 करनी है तो 20 माइनस 25 लिख देंगे तो 20 25 हो जाएगा, 20 करनी है, 25 करनी है और 30 करनी है तो कॉमा के साथ लिख देंगे, तो इस तरह से वो स्लाइड्स को प्रिंट करेगा। तो ये आपके पास प्रिंट करने के हवाले से ये होना चाहिए कि किस तरह आप प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करंट स्लाइड करेंगे तो जिस स्लाइड पे आप मौजूद हैं सिर्फ वही प्रिंट होंगी, ऑल स्लाइड करेंगे तो 1 to last slide जितनी होंगी वो सारी की सारी प्रिंट होंगी। एक पेज पे 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है, 6 करनी है, वो यहाँ से आप डिसाइड करेंगे ठीक है। समझ में आ गई बात ये? तो ये पावर पॉइंट में जब भी आपने प्रिंट करना हो तो इस तरह से करना है, याद रख लें सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करना है, नॉट्स पेजेस प्रिंट करना है, फुल पेज को प्रिंट करना है, स्लाइड्स को प्रिंट करना है, 2 स्लाइड्स को, 1 स्लाइड को, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किस तरह से प्रिंट करना है वो यहाँ से डिसाइड करेंगे।